जय जोहार। छत्तीसगढ़ी प्रमुख प्रादेशिक समाचार के संग मैं शुभा मिश्रा। राज्य निर्वाचन आयोग हा प्रदेश में नगरी निकाय के उप निर्वाचन पर कार्यक्रम की घोषणा कर दे है। एक संग संबंधित क्षेत्र मन में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गये है। 2 जून के चुनाव के संबंध में सूचना के प्रकाशन करे जाही। प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और FLC सुपरवाइजर्स ला EVM और VVPAT के संबंध में जानकारी दे बर रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन करेगी। प्रदेश में अवैया विधानसभा चुनाव ला लेके राजनीतिक पार्टी मन अपन तैयारी शुरू कर दे है। ही कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कालीले बस्तर संभाग के 4 दिवसीय दौरा में है। अपन प्रवास के दूसरैया दिन आज ओमन बीजापुर जिला के दौरा कर भाजपा के जिला कार्यकारिणी के संग बीजापुर विधानसभा कोर कमेटी के बैठक लीन। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हा आज राजभवन में बछर 2022 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 परिवीक्षाधीन अधिकारी मन ले सौजन्य मुलाकात करी। ए मौका में राज्यपाल हा अधिकारी मन ले कहीन कि ओमन अपन कर्तव्य के पालन करके देश और समाज के सेवा करे। नवोदय विद्यालय समिति हा अवैया शिक्षा सत्र पर जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन परीक्षा के माध्यम ले 11वीं कक्षा में प्रवेश पर अधिसूचना जारी कर दे है। इच्छुक उम्मीदवार NVS के आधिकारिक वेबसाइट में काली 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। कांकेर जिला के परलकोट जलाशय ले करीब 21 लाख लीटर पानी डीजल पंप के माध्यम ले भवैया खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास ले दंड राशि के रूप में जल संसाधन विभाग 53,092 रूपया के मांग करे है। ये राशि 10 दिन के अंदर जमा करे के निर्देश दे गये है। रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता के काली समापन हुई। ए मौका में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत कहीन के राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता के आयोजन ले प्रदेश ला विश्व स्तर में पहचान मिले है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहरले लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट कार्यक्रम के आयोजन करे जाते। एक तहत 1 जून के 5 लाख लोगन पर्यावरण संरक्षण पर शपथ लेही। ये रही अब तक के प्रमुख प्रादेशिक समाचार। जय जोहार।